हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है हमारी भी फैमिली? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो भाई गद्दी आज बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो अब आज गाड़ी हमारी धूप में खड़ी थी और बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है गाड़ी। तो गाइस, आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारी जो ये स्कूटी है ये थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। बस हमने अब इसका पूरा काम करा दिया है, एकदम मक्खन हो चुकी है। तो भाई बातों में मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत बड़े मेले में, जो हमारे यहाँ शायद काफ़ी बड़ा मेला होता है। तो हम जा रहे हैं सिमल सैन महादेव के मेले में और हम जा रहे हैं काफ़ी 5-6 लड़के यहाँ से, बाकी काफ़ी लोग पैदल भी जा चुके हैं। तो भाई साहब हमारे साथ के बाकी लौंडे यहाँ पे बैठ रखे हैं। आहा, सर कर इसको। क्या क्या कह रहे हो? गुन्नी भाई रंग की ठंडा पिला रहे हैं, 2 लीटर वाला क्या कह रहे हो? आइसक्रीम नहीं हो गए? कौन सा ठंडा रखना, बड़ा की छोटा? बड़ा। क्या कह रहे हो? ये ड्यू पिला रहे हो? क्या कह रहे हो? मिरिंडा पिलाओगे? भाई तेरा हाइट इतना है, जब फटा खोलो ना तब भाई साहब क्या ही सीन है। मैंने तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्कूटी धो दी है, तो थोड़ी साफ सी लग रही होगी आपको। चलो जी, अंकित भाई ने तो कर दिया बाइक स्टार्ट और मेरा गाड़ी का फिर से सेल्फ काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या ही हो गया बिचारी को। भाई साहब लौंडों ने ले लिया यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सामान और अब निकलते हैं घर। तो भाई अब हमने अपनी फिर से बाइक स्टार्ट कर ली है और सिमल सैन महादेव की तरफ हम लोग धीरे धीरे निकल चुके हैं और मेले के लिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा चुके हैं हमारे सामने इस रोड से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सब्जी वगैरह ले गई थी। और आप लोगों को तो पता ही है भाई, हम मेले में जाते हैं तो कुछ खाते पीते तो है नहीं, पर सब्जी ज़रूर लाते हैं घर के लिए, क्योंकि भाई साहब मेले का मज़ा ही कुछ और है ऐसे कुछ सब्जी वगैरह लाने का। क्या ही गर्मी हो रही है, मेरे को तो पूरा पसीना पसीना आ गया मुँह पे और भाई मेरे टी शर्ट भी थोड़ी सी उसकी गीली, मतलब हल्की हल्की सी मेरे को गीली लग रही है। तो भाई साहब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अगर मैं कोटद्वारा जैसी सिटी की बात करूँ तो भाई हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है वहाँ तो, क्योंकि कल हम जब कोटद्वारा गए थे तो वहाँ पर 5 मिनट में एक जगह में बैठा भाई ऐसा लग रहा था कि किसी भट्टी में बैठा दिया हो। तो भाई अभी हमारे रास्ते में रुके हैं और हमने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी अब उसे पीने का वक्त आ चुका है। तो पीछे फुल कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है, कुरकुरे वगैरह खाओ, कोल्ड ड्रिंक उठाओ, हमें भी तो कोई कोल्ड ड्रिंक दो। फुल कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है यहाँ पे बैठ के। और अभी हमने वो उस वाली रोड पे वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वहीं कहीं जाना है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में, जो कि है हमारा सिमल सैन महादेव का मेला। ओ भाई हमारे साथ के कहीं आगे ही जा रहे हैं भाई। इनकी तुम्हें सैनी थे ना, ये आया सर कख लगी भाई ये पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। एक तो यहाँ पे रोड की कंडीशन देख, क्या बुरी कंडीशन हो रखी है और आगे और ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो भाई मैं तो इस रोड पे चलने से परहेज ही करता हूँ, क्योंकि इस रोड में एक दिन चले जाओ गाड़ी आपकी सर्विस मांगने लग जाएगी, पूरे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। शायद ये लोग स्कूल तक जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं सिमल सैन महादेव से, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा सुकून चाहिए था। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है, प्यारे प्यारे पहाड़ और ये बस बैठे हुए हैं।
चला नहीं रही है, छोटे बच्चे छोटे बच्चे। तो यहाँ पे काफी देर बैठने के बाद हमने सोचा कि वापस चलते हैं जहाँ पे मेला हो रहा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है भाई यहाँ पे बैठ के, गर्मी भी हो रही है। तो अभी फटाफट वहाँ पे चलते हैं, हेलमेट वगैरह हमने यहाँ पे रखा हुआ है, फटाफट से अपना कैमरा ऑन करके निकलते हैं वहाँ पे। तो भाई ये लोकेशन भी काफी ज्यादा प्यारी थी, और नीचे लोगों ने पॉली हाउस वगैरह भी लगा रखा है, और यहाँ पे शायद काफी अच्छी खेती होती है, और अभी भी खेत लोगों ने जोत रखे, अभी भी लोगों ने कुछ ना कुछ खेतों में लगा ही रखा है। तो वाह, यहाँ की जो रोड की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो यार जब भी पहाड़ों में आए तो बहुत ध्यान से आएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी के टायर वगैरह पंचर हो जाते हैं, और ऐसी जगह में होते हैं कि जहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अगर आप पहाड़ों की तरफ आते हैं तो ध्यान से आए, और इन पहाड़ों का मज़ा लेके खुशी खुशी वापस अपने घर जाएं। तो जी यहाँ पे हो रहा है हमारे चिमनसैंण महादेव जी का मेला, और यहाँ पे सिर्फ जलेबी जलेबियाँ बिक रही हैं। यहाँ पे भी जलेबियाँ हैं, वहाँ पे भी जलेबियाँ हैं, और आगे वहाँ पे भी जलेबियाँ हैं, यहाँ पे भी जलेबियाँ हैं, वहाँ पे भी जलेबियाँ हैं, सब जगह जलेबी जलेबियाँ हैं। और वहाँ पे कुछ खिलौने वलौने, तो हम वहाँ से खिलौने भी लेंगे इनके लिए, इन छोटे बच्चों के लिए। और आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा बड़ का पेड़ है यहाँ पे, क्योंकि मंदिर के सामने बड़ के पेड़ होते हैं, तो बहुत प्यारे बड़ के पेड़ हैं। कहाँ चौदह जी कह गाँव का छो जुगने? अच्छा जुगने बढ़ाया छो दिया सुबह रहे हैं। अच्छा तो भाई जलेबी मिल चुकी है हमें मेले में आते ही सबको, फ्री की क्योंकि हम स्टाफ के मेंबर हैं, हम हर जगह पहुंचे रहते हैं, तो हमें फ्री में जलेबी मिली फ्री में। तो जी हमारी फर्स्ट सॉफ्टी आ चुकी है, जिसे कुछ ऐसा करके खाना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे से चूने लग गई है, मतलब लीक होने लग गई है, तो भाई ऐसा पीना पड़ रहा है इसको। तो भाई धीरे धीरे मेले में भीड़ होने लगी है, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे सारे लोग आने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका मुख्य देवता है जो उनके मंदिर है महादेव का, तो सारे लोग आते हैं और यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं, क्योंकि साल भर में एक ही बार मेला होता है। ये देखो गाइस यहाँ पे लोग ये झूला झूल रहे हैं, और ये टहनी अगर ऊपर से टूटी तो इनकी खत्म, टाटा बाय बाय, किस्मत फूटी। जो वो बॉटल के अंदर, छोटी सी बॉटल के अंदर चावल के दाने में लिख के देते ना, वो लिखेंगे हम एक एबी ट्रैवल मैप, और एक बैंड बनाएंगे एबी ट्रैवल मैप। चलो तो चलते हैं सब फटाफट से नीचे। भाई साहब ये जो भोंपू है, ये वाला जो भोंपू है, ये हर मेले में बजते हैं। कितना चुरे भाई? ये हेलमेट मेरा है। भाई साहब फूल अल्लाह हो रहा है फूल। और अभी हम यहाँ पे एबी ड्राइवर मैप लिखवाने वाले हैं, एक बैंड पे और एक सीसी में, तो लिखवाने जाएंगे अभी, आपको दिखाएंगे जल्दी से। तो भाई से हमने बनवाया है एक एबी ट्रैवल मैप का ये वाला, और इसमें भी बनाया है हमने एबी ट्रैवल मैप में, लगाने जा रहे हैं ये वाला छल्ला। तो दगड़ियों कैसा लग रहा है भाई? ये कैसा लग रहा है? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। भाई यहाँ पे फुल सारे एंजॉय कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि हमारा आखिर एवी ट्रैवल मैप का जो ये फर्स्ट लोगो है आखिर कैसा लग रहा है। तो भाई साहब ये हैं सब्जियाँ, अब ये हम लेंगे तब जब ये सब्जियाँ बिल्कुल थोक के भाव में मिलेंगी, तब हम ये सब्जियाँ लेंगे। फिलहाल गाइस ये भी ट्रैवल मैप हमें बहुत महंगा पड़ा है, 150 रुपए का पड़ा है हमें ये, तो इसे बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बनवा दिया और फिर भैया कह रहे हैं लाओ पैसे दे दो, अब मना भी नहीं कर सकते, फिर क्या
दुख हो रहा है बट वहाँ नीचे तो बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है तो इसलिए हम ऊपर आ गए और अपनी गाड़ियों के ऊपर बैठ गए। तो बेसिकली जो मेले होते थे पहले जब लोग बहुत दूर दूर रहते थे और मोबाइल वगैरह नहीं था तो लोग यहाँ एक दूसरे को मिलने आते थे, रिश्तेदार वगैरह, और अपने देवी देवताओं के लिए यहाँ पे भेंट वगैरह निकालते थे। तो तब तो जो उत्तराखंड में मेले होते हैं बेसिकली इसी चीज के होते हैं और देवी देवताओं का पूजन भी होता है। तो टाइम बात चल रही है आइसक्रीम पार्टी सबकी और मेरे पास है मैंगो फ्लेवर, ये कोल्ड फ्लेवर से आने से मतलब है यार भाई। तो ये हमारी सेकंड आइसक्रीम चल रही है अलग अलग फ्लेवर की, ये पिंक वाली खा रहे हैं मतलब व्हाइट वाली पपाया और मैं खा रहा हूँ यहाँ पे पता नहीं कौन सही है। हाँ तो वो लीची है, ये कोई और फ्लेवर है, इसको पहले फ्लेवर को पता फ्लेवर का पता नहीं है भाई मेरे को।